अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम चाहेंगे कि एक माजी के उसे जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे वाक्यात पंजाबी में ही करेंगे। अच्छा कि ऐसे ऐसे वाक्यात गुजरे के वाक्यात ये गुजरे कि मेरा मेरे दादा भी यहाँ रहते हैं माल टाउन में। अच्छा वाह। मेरे दादा यहाँ 88 और 99 DE। अच्छा। मैं मेरे दादा रहते हैं। वाह। जी बहुत बड़ा आदमी था जी अपने जमाने का। बहुत बड़ा आदमी अंग्रेजों के जमाने में पहला सुपरिंटेंडेंट जेल था। अंग्रेजों का कानून था कि कोई देसी आदमी जिले का अफसर नहीं बन सकता। अच्छा। लेकिन मेरा दादा पहला इंडियन सुपरिंटेंडेंट जेल खान बहादुर और बहुत मशहूर आदमी बहुत बड़ी जायदाद का मालिक। मेरा बाप उसका सबसे बड़ा बेटा था। अच्छा। मेरे बाप की होगी डेथ। ये आप दादा की बात कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ। अच्छा। मेरे बाप की डेथ हो गई। हाँ। बाप की डेथ। उस जायदाद में से मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा। कानून ऐसा था। कानून था लेकिन दादा पोतरे का भी कोई रिश्ता होता है। मुझे कुछ नहीं मिला। तो यही मैं बात यहाँ कर रहा था कि मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। बेशक। बाज़ औक़ात मैं कहता था कि मेरे दादे ने मुझे कुछ नहीं दिया ये तो मुझे खुदा कहता था और मैं जो तेन सब कुछ देता है तू खाली रोड़ा पया। अल्लाह ने मुझे ऐसे दिया जैसे दरिया मुझे दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं कोई गिला नहीं और किसी की परवाह नहीं। और जिस शख्स ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मैंने उसका बदला नहीं दिया अल्लाह ने दे दिया। वाह। मेरा बदला अल्लाह ने लिया क्योंकि मैं किसी के साथ बुराई नहीं करता था। मुझसे कोई अच्छाई हो सकती थी तो कर देता था बुराई नहीं करता और अल्लाह की बड़ी रहमत थी। अच्छा लो थानू एक वाकया सुनाना। हाँ। मैं बहावलपुर में सुपरिंटेंडेंट जेल था। अच्छा। बहावलपुर में तो वहाँ आईजी का हेडक्वार्टर भी वहीं था। अच्छा। वो जो आईजी था ना वो मेरे खिलाफ था। वो खिलाफ मेरे बाप की वजह से था। अच्छा। क्योंकि मेरे बाप की और उनकी आपस में कुछ चपकरश थी। वो मुझसे बदला लेता था। वो जेल पर आया आकर उसने इंस्पेक्शन की और बड़ी गंदी रिपोर्ट मुझे दी और मुझे कहा कि जेल की में कैदियों को सब्जी क्यों नहीं देते। मैंने कहा ये बगीचे में होती नहीं। कहता अच्छा तुम ऐसे करो तुम अपनी तनख्वाह में से सब्जी खरीदा करो और दिया करो। सब्जी दो कैदियों को अपनी तनख्वाह। मैंने कहा अच्छा भाई मैं जाता था मंडी में सब्जी खरीदता था शाम को वो रात को पकाते थे देते थे। 3-4 दिन मैंने सब्जी दी। अच्छा।
एक दिन ना मैं मंडी से आ रहा था सब्जी लेकर, तो उसका ड्राइवर फरीद गेट का थाना था वहाँ बहावलपुर में, उस थाने के पास उसकी कार खड़ी। अच्छा, मैं डर गया। मैं क्या पैचर्स के वगैरह मेरे खिलाफ को केस ही ना रजिस्टर कराया। उसकी कार खड़ी ना, मैं आगे गया तो ड्राइवर खड़ा उसका। मैं क्या तू काली खड़ा ऐसे खड़ोता? चलो सही, मुल्तानी से मुल्तानी। चलो सही, क्या दसू क्या दसू, जुलम थी गया, जुलम थी गया। और मैं क्या की होया? चलो सही, मैं इंज बेच पाया हम अगे की सब खोता है, उसे दृढ़ता मारिया तो कार की स्क्रीन पटी। कार की स्क्रीन खोते ने। मैं अपने घर गया, जाके मैं आई जी साहब नु टेलीफोन, मैं आई जी साहब नु टेलीफोन किया। मैं क्या सर वो थोड़ी कार थाना फरीद गेट से खलोती है। कहता क्यों उथे क्यों खलोती है? मैं साई के साई के दसो। थोड़ा ड्राइवर कहता पाया कि उस स्क्रीन जी है ना, खोते ने दुलती मार कर तोड़ छड़ी है। अज तक सुने खोते ने दुलती मार के कार तोड़ी छोड़ कहने का है, उसकी कार की स्क्रीन टूट गई है। मैं क्या साई कहो मैं तो उसको क्या कार लाया वे थाना चलता। दूसरे दिन दफ्तर गया ना, दूसरे जेड़े अफसर से ना, वो कहन लगे कि जेड़ा बुंड पंगा ले रहा सी, उस गरीब दे नाल, उस यतीम दे नाल, उस मासूम दे नाल, और अब पता लग गई। और सोचन लग गया भाई वाकई एक वो मेरे नाल हाथ होया। मुड़ उसने मैं नहीं हाथ लाया। ए बड़ा अजूबा। हाँ। अजूबा होया। जी। बड़ी गल है जी, बड़ी गल है। खोते ने स्क्रीन तोड़ दी। तो आए ने क्या चीज टाइम? अब इस वक्त ये मेरे ख्याल है 8:15 का है। गरीब दी हाय लै बैठी ओनू गरीब दी हाय लै बैठी कि कभी स्क्रीन भी टूटी इस तरह। सही है। अच्छा फिर मैनू जिवे अल्लाह ने नौकरी दिती ना जी, इस तरह कदी किसी नु नौकरी मिली नहीं। मेरे वालद आया वफात हुई सी एक्सीडेंट दे विच। अच्छा, वो हाजर सर्विस सी उदो? हाँ। सुपरिटेंडेंट सी ओ भी? दादा भी सुपरिटेंडेंट सी के? दादा भी सुपरिटेंडेंट सी। मेरा दादा पहला इंडियन सुपरिटेंडेंट जेल पंजाब का। अच्छा, खान बहादुर की सी पूरा नाम? खान बहादुर चौधरी खैरुद्दीन। चौधरी खैरुद्दीन। अच्छा, वालिद साहब का नाम? चौधरी जलालुद्दीन। चौधरी जलालुद्दीन। और आगे आपका? चौधरी फलाहुद्दीन। चौधरी सलाहुद्दीन। फलाहुद्दीन। एक चौधरी सलाहुद्दीन भी था? हाँ? एक सुपरिटेंडेंट चौधरी सलाहुद्दीन भी था, ख्वाजा सलाहुद्दीन नाम था। हाँ? ख्वाजा सलाहुद्दीन नहीं, कोई भी मुझे 100 साल से पता है। अच्छा, मैंने 100 साल से पता मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कोई नाम का वो हो रहा होगा, ख्वाजा था बहरहाल इतना था, और मैंने उसकी पेंशन बनाई थी, मुझे इतना इल्म है। आप कोई ऑडिट डिपार्टमेंट में? हाँ हाँ। कौन से डिपार्टमेंट? ये ऑडिटेड अकाउंट AGPR में हूँ, अकाउंटेंट जनरल पंजाब का जो दफ्तर है यहाँ पर। हाँ इधर। मेरी पेंशन तो बनी थी साहिवाल में। हाँ साहिवाल, वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में होगी ना आपकी? अच्छा अच्छा, तो ये जो नौकरी का जो वाकया आप बता रहे हैं कि इस तरह मिली,
उसका क्या सीन था? एक्सीडेंट में डेथ हुई ना, आईजी जो था ना वो मेरे बाप का दोस्त था, बड़ा मेहरबान था। अच्छा, बहुत मेहरबान। अच्छा, आईजी को पावर्स नहीं थी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को भर्ती करने की, तो उसको पावर नहीं थी। अच्छा, वो पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूट कर मेरा केस लेकर आईजी और मिनिस्टर दोनों और मुझे भी लेकर गवर्नर के पास गए। उस वक्त पावर्स गवर्नर के पास? गवर्नर के पास तो सारी पावर्स होती, लेकिन आज का गवर्नर तो अपने आप को बेबस जाहिर करता है। आज भी एक गवर्नर तो नहीं रहे तो मैं छूड़े हैं जी। तो अच्छा, गए गवर्नर ने मुझे अपॉइंट भी कर दिया और कानून तब्दील कर दिया। हाँ, वो कर सकता है, उसे तब्दील कर दिया कानून और मुझे अपॉइंट कर दिया। अच्छा, क्योंकि जब उस वक्त तक वो नहीं अपॉइंट कर सकता था जब तक वो कानून ना तब्दील करता। हाँ, ये पहली दफा हुआ था महकमे की तारीख में। छोड़ो छोड़ो, अल्लाह की शान की बात। हाँ जी, हाँ जी, ये अल्लाह पाक ने आपको बहुत नवाजा है। देखिए, तीन नस्लों से आप सुपरिटेंडेंट जेल रहना बहुत बड़ी बात है। और अंग्रेज के दौर में जब 18 मेरा दादा 1899 में अपॉइंट हुआ था। 1899 में आपका दादा सुपरिटेंडेंट जेल अपॉइंट हुआ? सुपरिटेंडेंट जेल नहीं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में कानून था कि कोई इंडियन हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नहीं लग सकता। लेकिन बाद में खान बहादुरी का खिताब मिला, अंग्रेज ने कभी एक्सटेंशन नहीं दी थी सर्विस में, 5 साल की एक्सटेंशन दी, खान बहादुरी का खिताब दिया, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नहीं लग सकता। लेकिन बाद में खान बहादुरी का खिताब मिला, अंग्रेज ने कभी एक्सटेंशन नहीं दी थी सर्विस में, 5 साल की एक्सटेंशन दी, खान बहादुरी का खिताब दिया और सुपरिटेंडेंट जेल कर दिया। ही वॉज ए वेरी रिनाउंड मैन, नंबर वन अफराड़ी हो रहा है। लो जी, असि याद ही कर रहे थे आरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। असि कह रहे थे, मैं यार जे आरफ साहब कि बाहर चले जान तो साड़ी तरह उन्हें गई गई, ते असि हुनी थोड़ी देर पहले तो याद कर रहे थे। अल्लाह का करम है। देखो जी, किस तरह याद किया है असि। हाँ जी, ओ नजम साहब हुनी गए ने? आहो, उथे ते मैं बैठा रहा 2 मिनट नजम साहब। अच्छा, उथे लेट हो गया। ओ चले गए ने? हां चले गए। बोर हो गए थे ना? कल बोर नहीं होना, बच्चियां वास्ते लेने, बच्चों वास्ते लेने की पूरियां। पूरियां? अच्छा, पूरियां ठीक गल है। अजकल बड़िया किस्म फैशन फूशन करके रख की करा फिर और मैं और फिर मैं की करा तेरा मन तो इंज लगता है तेरी टर्न आउट ही थी। चलो कोई गल ना। हाँ, थोड़ा जा है। थोड़ा जा है। थोड़ा जा है। अपना शुगर की वजह ना हो जाता है। सुना हुआ ना के एक फौजी सिपाही सी, हाँ दो नंबर गल, हाँ कोई गल नहीं, कट दें नहीं। चल।